हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे, जिसमें एकदम बेसिक से एडवांस एमसीक्यूज आपको मिलेंगे जो किसी भी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। टोटल 100 एमसीक्यूज हम देखेंगे। इस पार्ट में हमने टोटल 25 क्वेश्चंस कवर किए हैं, बाकी क्वेश्चंस आपको नेक्स्ट पार्ट में देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, C++ वॉज ओरिजिनली डेवलप बाय। C++ को किसने डेवलप किया है? इसका आंसर रहेगा 3, बिजन स्टाउटअप। बिजन स्टाउटअप ने C++ को 1980s में AT&T बेल लैब में डेवलप किया था। C++ के पहले सी और सिमुला 67 ये दो पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस थी। बिजन स्टाउटअप को इन दोनों प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मिलाकर एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप करना चाहते थे जिसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के सारे फीचर्स अवेलेबल हो। तो उन्होंने C++ ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप की। क्वेश्चन नंबर 2, बेसिक यूनिट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का बेसिक यूनिट क्या है? इसका आंसर रहेगा 2, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट एक रन टाइम एंटिटी है। क्लास एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होता है और क्लास टाइप के जो भी वेरिएबल्स रहेंगे उसे ऑब्जेक्ट कहेंगे। पर्सन, प्लेस, टाइम, लिस्ट को हम ऑब्जेक्ट कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज। इसका आंसर रहेगा 2, पाइथन। पाइथन एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। क्वेश्चन नंबर 4, सी फ्रंट एक इसका आंसर रहेगा 2, C++ कंपाइलर। सी फ्रंट एक C++ कंपाइलर था। इसका पूरा कोड C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा है। बिजन स्टॉपस्टॉप ने सी फ्रंट को 1980s में डेवलप किया था और सी फ्रंट C++ कोड को सी कोड में ट्रांसलेट करने का काम करेगा। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी है? इसका आंसर रहेगा 4, अडा। अडा एक ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या डिफरेंस है? एक्चुअली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेटा इनकैप्सुलेशन, डेटा हाइडिंग, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म और डायनेमिक बाइंडिंग को सपोर्ट करता है। ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इनहेरिटेंस और डायनेमिक बाइंडिंग को सपोर्ट नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 6, क्लासेस इन C++ आर। इसका आंसर रहेगा 2, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। क्वेश्चन नंबर 7, C++ कैन बी यूज टू बिल्ड अ सिस्टम सच एज। ठीक है, C++ का यूज़ कहाँ कहाँ होगा? इसका आंसर रहेगा 4, ऑल ऑफ द अबो। C++ का यूज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, ओरेकल डेटाबेस, MySQL, एडिटर, कम्युनिकेशन सिस्टम डेवलप करने के लिए यूज़ होता है। सभी तरह के एम्बेडेड सॉफ्टवेयर, डिवाइस ड्राइवर, नेटवर्क ड्राइवर बनाने के लिए C++ का यूज़ होता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर को डेवलप करने के लिए भी C++ का यूज़ होता है। तो इसलिए इसका आंसर रहेगा 4, ऑल ऑफ द अबो। क्वेश्चन नंबर 8, द आइडेंटिफायर सीन इज। इसका आंसर रहेगा 2, प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज यूज फॉर राइटिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम लिखने के लिए कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज होगी? इसका आंसर रहेगा 3, लिप्स। लिप्स एक सेकेंड ओल्डेस्ट हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम क्रिएट करने के लिए लिप्स लैंग्वेज हाईली यूज होती है। क्वेश्चन नंबर 10, टू इलिमिनेट रिडंडेंट कोड फॉलोइंग मैकेनिज्म कैन बी यूज। रिडंडेंट कोड, डेटा डुप्लीकेशन को इलिमिनेट करने के लिए कौन सा मैकेनिज्म यूज़ होगा? इसका आंसर रहेगा 1, इनहेरिटेंस। देखिए, इनहेरिटेंस एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें ओल्ड क्लास को न्यू क्लास में क्रिएट किया जा सकता है। हम ओल्ड क्लास की प्रॉपर्टीज़ को न्यू क्लास में यूज़ कर सकते हैं। ऐसा करने से क्या होगा? ऐसा करने से आपको इन प्रॉपर्टीज़ को दोबारा लिखने की आवश्यकता नहीं होगी। तो मीन्स रिडंडेंट कोड को इलिमिनेट करने के लिए हम इनहेरिटेंस का यूज़ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, बाय डिफॉल्ट मेंबर ऑफ द क्लास आर डैश इन नेचर। मेंबर ऑफ द क्लास का नेचर क्या होगा? बाय डिफॉल्ट मेंबर ऑफ द क्लास का नेचर क्या होगा? देखिए, इसका आंसर रहेगा 1, प्राइवेट। क्लास के जो भी डेटा मेंबर्स होते हैं वो प्राइवेटली डिफाइंड होते हैं। इसका मतलब ये है कि डेटा मेंबर जिस क्लास में डिफाइंड होते हैं वही क्लास उस डेटा मेंबर को एक्सेस कर सकता है, दूसरा क्लास उस डेटा मेंबर को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता। क्वेश्चन नंबर 12, लिप्स स्टैंड फॉर। लिप्स इसका आंसर रहेगा 2, लिस्ट प्रोसेसर। लिस्ट एक सेकेंड ओल्डेस्ट हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और इसे 1959 में डेवलप किया था। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वॉज यूज बाय एप्पल टू प्रोग्राम इट्स ऑपरेटिंग सिस्टम। सबसे पहले एप्पल ने
ऑपरेटिंग सिस्टम का कोड लिखने के लिए किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ किया था? इसका आंसर रहेगा फॉर ऑब्जेक्टिव सी। टॉम लव एंड ब्रैड कॉक्स ने ऑब्जेक्टिव सी को 1980s में डेवलप किया था। इसका मेन गोल था कि नए प्रोग्रामर क्लीनर और वेल स्ट्रक्चर कोड लिख सके। ऑब्जेक्टिव सी एक जनरल पर्पज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और एप्पल ने ऑपरेटिंग सिस्टम का कोड लिखने के लिए इस लैंग्वेज का यूज़ किया था। क्वेश्चन नंबर 14, रीयूजेबिलिटी ऑफ द कोड कैन बी अचीव थ्रू। इसका आंसर रहेगा टू, इनहेरिटेंस। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोसीजरल लैंग्वेज? बेसिक, एल्गोल और कोबोल ये प्रोसीजरल लैंग्वेज है और इसका आंसर रहेगा फोर, C++। C++ एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। क्वेश्चन नंबर 16, पॉलीमॉर्फिज्म इज, इसका आंसर रहेगा वन, एबिलिटी टू टेक मोर देन वन फॉर्म। पॉलीमॉर्फिज्म एक पॉली एंड मॉर्फ इन दोनों ग्रीक शब्दों से बना है। इसमें आप एक नाम से कई तरह के टास्क इम्प्लीमेंट करते हैं। C++ में पॉलीमॉर्फिज्म फंक्शन ओवरलोडिंग द्वारा इम्प्लीमेंट किया जाता है, जिसमें एक फंक्शन को अलग अलग कंडीशन में एग्जीक्यूट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, द मेन गोल ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मेन गोल क्या है? इसका आंसर रहेगा थ्री, रीयूज। क्वेश्चन नंबर 18, ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग डू नॉट सपोर्ट फॉलोइंग मैकेनिज्म। मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि दो टाइप के प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इनहेरिटेंस एंड डायनामिक बाइंडिंग को सपोर्ट नहीं करता। तो इसका आंसर रहेगा ए, इनहेरिटेंस एंड डायनामिक बाइंडिंग। क्वेश्चन नंबर 19, इंसुलेशन ऑफ डेटा फ्रॉम डायरेक्ट एक्सेस बाय द प्रोग्राम इज, ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा वन, डेटा हाइडिंग। ऑब्जेक्ट के मेथड्स और डेटा को एक ही क्लास में स्टोर करने का काम डेटा हाइडिंग करेगा। इसमें क्या होता है कि क्लास के डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शन को उसी क्लास में डिफाइन करना पड़ता है, दूसरा क्लास किसी क्लास के मेंबर को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता। इस प्रोसेस को हम बोलेंगे डेटा हाइडिंग। क्वेश्चन नंबर 20, हाउ मेनी ऑब्जेक्ट कैन बी प्रेजेंट इन सिंगल क्लास, एक क्लास में कितने ऑब्जेक्ट आप क्रिएट कर सकते हैं? इसका आंसर रहेगा डी, एज मेनी एज पॉसिबल। आप एक क्लास के नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, बट जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो सारे ऑब्जेक्ट नेम शुड बी सेपरेटेड बाय कॉमास। क्वेश्चन नंबर 21, कमेंट सिंबल इन C++ इज, इसका आंसर रहेगा टू, डबल स्लैश कमेंट सिंबल है। कमेंट प्रोग्राम लाइन में किसी भी स्थान पे आप यूज़ कर सकते हो। C++ में कमेंट का कोई भी क्लोजिंग सिंबल नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आउटपुट ऑपरेटर इन C++, इसका आंसर रहेगा वन। अभी देखिए, आइडेंटिफायर सी आउट एक प्रीडिफाइंड ऑब्जेक्ट होता है जो स्टैंडर्ड आउटपुट स्ट्रीम को रिप्रेजेंट करता है, एंड स्टैंडर्ड आउटपुट स्ट्रीम रिप्रेजेंट करती है स्क्रीन को, ठीक है। तो कोई भी डेटा आउटपुट स्क्रीन पे अगर आपको डिस्प्ले करना हो तो सी आउट के साथ इस आउटपुट ऑपरेटर को आपको यूज़ करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 23, द ऑपरेटर इज नोन एज, इसका आंसर रहेगा वन, एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर को गेट फ्रॉम ऑपरेटर भी कहते हैं। ये कीबोर्ड से वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करता है और उसे वेरिएबल को असाइन कर देगा। क्वेश्चन नंबर 24, द डिफॉल्ट रिटर्न टाइप फॉर ऑल फंक्शन इन C++ इज, सभी फंक्शन के रिटर्न टाइप बाय डिफॉल्ट क्या होगा? इसका आंसर रहेगा वन, इंटीजर। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग आर डिराइव्ड डेटा टाइप इन C++, इसका आंसर रहेगा फोर, एरे। अभी यहाँ पे देखिए, डिराइव डेटा टाइप में होते हैं एरे, फंक्शन एंड पॉइंटर, ये सभी डिराइव डेटा टाइप है।